सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 5 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग चैलेंज। आज हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और आपके लिए एक एक्सरसाइज। तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इन ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं पाइथन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऐसे ही कैलकुलेशंस करने के लिए। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार मार्क, एक्सपोनेंशियल्स के लिए डबल स्टार, फिर मॉड्यूलस के लिए हमारे पास परसेंटेज, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश, डिवीजन के लिए स्लैश। तो यही बेसिकली हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो 15 प्लस 7, इसके कॉमन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 15 चॉकलेट्स आपके पास हैं, 7 तो आपने और ख़रीद ली, चल जाइए 15 भी नहीं थी, आपने 15 भी खरीदी और 7 भी खरीदी। एक चॉकलेट का प्राइस है 1 रुपीस, तो आपको दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 21 रुपीस। बिल्कुल गलत जवाब, आपको दुकानदार को 22 रुपीस देने पड़ेंगे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में आते हैं, माइनस मार्क, 15 माइनस 7। अगर मेरे पास लेट से 15 चॉकलेट्स थी, 7 मैंने मेरे दोस्त को दे दी, तो आप बताइए मेरे पास कितनी बची? बताइए जल्दी, कैलकुलेट। 9 गलत जवाब, आपके पास 8 बजी। कैलकुलेट भी आप करके देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल, 5 स्टार्ट 3। एक्सपोनेंशियल तो बहुत इजी होते हैं, सब नहीं पढ़े। फिर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज भी और उनका एक्सप्लेनेशन भी है, आप देख सकते हैं। फिर मेन एक्सरसाइज, क्रिएट अ कैलकुलेटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस ऑन 2 नंबर्स। योर प्रोग्राम शुड फॉर्मेट द आउटपुट इन रिलेटेबल मैनर। तो क्या करना है आपको कि आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है पाइथन की सहायता से, मदद से, कि वो कैपेबल हो, मतलब कि वो जो हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आराम से कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। उसको कोई सा भी नंबर दिया जाए तो वो उसका कर सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। वो 2 नंबर्स का होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है 2 नंबर्स का ही होगा। और आप इसमें चाहे तो आप एक्सपोनेंशियल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी बेसिकली एक्सरसाइज है। कुछ मैं आपको ऑपरेटर्स के एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ। जैसे हमने कहा प्रिंट 15 प्लस 7, देखते हैं कितना होता है। इसको भी इतना टाइम लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब हम लिख देते हैं इसको ही रेप्लिकेट करके, इसका अपोजिट ऑपरेटर 15 माइनस 7, तो हमें मिल जाएगा 8। अब अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल निकालें तो हमें इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिल जाएगी कुछ बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू। और हम इसका डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, तो हम डिवीजन करें तो हमें डिवीजन में मिल जाएगा इसका वैल्यू जो कि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। दैट्स इट। तो आपको ये कैलकुलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कल की वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आज की वीडियो में बस नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू ऑन द डे 6th ऑफ दिस चैलेंज। थैंक यू गाइस।